कह लेते हैं हमारे युवा साथी हैं। आपका नाम सर? तेजालाल सोलंकी। तेजालाल सोलंकी, हाँ। आप कहाँ से आए? सर रतलाम से। क्यों आए यहाँ पर? ये सर विशाल धरना प्रदर्शन में जो हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए। क्या अत्याचार हो रहा है आपको? सर अत्याचार हो रहे हैं नहीं तो क्या, अभी देख लो ना शिक्षा स्तर में हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 8वीं तक शिक्षा ऐसे ही दे रहे हैं ताकि ये दलित वर्ग के लोग 9वीं में जाके अपने आप फेल हो जाए। ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है लेबर बढ़ाने का। लेबर बढ़ाने का और नहीं तो क्या सर, वरना इनको शिक्षा इतनी स्ट्रिक्टता से करनी चाहिए। और मैं तो बोलना चाहता हूँ कि अगर ये आरक्षण की बात करते हैं तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर आरक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज बंद किए जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्जी डिग्रियाँ इन कॉलेजों में ही बनती है। क्योंकि जब दौड़ हो रही है तो सभी को एक ही लाइन में होना चाहिए। और आप जातिवाद खत्म कर दो, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। हम तो बोल रहे हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे, सबसे पहले प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज बंद करो आप। सभी की मांगे कि अगर आरक्षण की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट इनको बंद किया जाए और एक जो दोहरी शिक्षा नीति है उसको खत्म किया जाए। सर आपका नाम? प्रकाश खैरनार, मध्य प्रदेश नेपानगर से आया हूँ मैं, पुरानपुर जिले से। सर क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आए हैं आप? जो एजेंडा दिया हुआ है, जो कार्यक्रम पूर्ण हुए थे उस कार्यक्रम के सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मांगे बहुत अच्छी है क्योंकि संविधान बचाना है हमें, संविधान के अनुरूप देश नहीं चल रहा है, लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं और हमारे लोगों के साथ में बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है। जैसे कि पिछली बार भीमा कोरेगांव में हुआ, गाड़ियाँ जलाई गई, लोगों को पानी नहीं मुहैया कराया गया, नाना प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, इसके विरोध स्वरूप और जो हमारे कार्यकर्ता जो बंद है भाई चंद्रशेखर आज़ाद, इनके छुड़ाने के लिए ये मुद्दे रखे गए हैं ताकि इनको जो भीमा कोरेगांव में जिन्होंने गुनाह किया वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उनके ऊपर कोई अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक उन लोगों को। लेकिन जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हाथ में जुल्म ज्यादा होती है, उनको अंदर किया जाता है। ये ऐसी दोहरी नीति, दोगली नीति ये वर्तमान सरकार की है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके स्वरूप हम यहाँ पर सब सपोर्ट करने के लिए उपस्थित हुए।